बिग्बॉस सीजन 13 के घर में आसिम और सिद्धार्थ के बीच में टकरार देखने को मिली। साथ ही इन दोनों के पार्टनर हिमांशी और शहनाज के बीच भी काफी अच्छी खासी कंट्रोवर्सी दर्शकों को देखने को मिली। बिग्बॉस 13 के टाइम दर्शकों को लगता था लाइमलाइट में आने के लिए ये लोग ऐसा करते होंगे और कैमरे के पीछे ये सब मिलजुल कर ही रहते होंगे, लेकिन बिग बॉस खत्म होने के बाद भी इन दोनों जोड़ियों के बीच की टकरार देख फैंस को ये तो समझ आ गया कि बिग बॉस के घर में ये फाइट रियल थी और ये रियल फाइट इतनी जल्दी रुकने वाली तो नहीं, और वो भी तब जब इन दोनों के फैंस इन्हें बेतहाशा सपोर्ट करते रहते हैं। बताते चले, बिग बॉस के बाद इन दोनों जोड़ियों के बीच कॉन्ट्रोवर्सी तब भी देखने को मिली जब इन दोनों का सॉन्ग रिलीज हुआ। शुरुआती दिन में यूं तो सिडनाज का सॉन्ग भुला दूंगा आसिम हिमांशी के सॉन्ग से आगे निकल गया था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े वैसे वैसे ही आसिम हिमांशी का कल्ला सोना नहीं सॉन्ग सिडनाज सॉन्ग से आगे आ चुका है। मयम सिडनाज जोड़ी के सामने एक बार फिर से आसिम और हिमांशी चैलेंज रखने जा रहे हैं। जी हाँ, एक बार फिर फैंस को आसिम हिमांशी और सिडनाज के बीच कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिल जाएगी, लेकिन तब जब सिडनाज आसिम हिमांशी के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे। दरअसल हाल ही में आसिम और हिमांशी ने अपने फैंस को जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही वो एक सॉन्ग रिलीज करने जा रहे हैं। बस इस खबर के बाद आसिम हिमांशी के फैंस ट्विटर पर खुशी से सिडनाज फैंस को चैलेंज करने लगे। वेल, आसिम हिमांशी ने तो जानकारी दे दी कि वो जल्द ही अपना न्यू सॉन्ग रिलीज करने जा रहे हैं, लेकिन अभी यही इंतजार सिडनाज फैंस को भी है। फैंस चाहते हैं कि जल्द ही सिडनाज कोई न्यू सॉन्ग रिलीज करें ताकि सिडनाज फैंस आसिम फैंस को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। वेल, आपको क्या लगता है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अर्पण न्यूज को ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।